गुड आफ्टरनून स्टूडेंट बेटा जी, अब हमने करना है शांति गैस पेपर में से जो छोटे क्वेश्चन आंसर है जो हमें दो टू मार्क्स के आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। और बेटा मेरे पास है हिंदी का, तो जैसे भारत और संयुक्त राष्ट्र के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम लिखो, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के नाम लिखो, स्थाई जो सदस्य हैं उसके नाम लिखने हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोई दो एजेंसियों के नाम, फिर संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण विशिष्ट एजेंसियों के नाम, फिर जन उन 5 देशों के नाम लिखना है जिन्होंने वीटो शक्ति प्राप्त की है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उदाहरण उद्देश्य क्या हैं, फिर इसके जो इसका जो है संयुक्त भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का मेंबर कब बना, और स्वेज नहर की समस्या के प्रति भारत का क्या योगदान है, भारत द्वारा हिंदू चीन की समस्या के समाधान में निभाई गई भूमिका लिखें। आगे है भारत और शार्क, कहते हैं शार्क की स्थापना कब की गई थी और शार्क में आपका क्या अभिप्राय है, शार्क से आपका क्या अभिप्राय है, शार्क का पूरा नाम क्या है और शार्क के 2 उपाय लिखें, शार्क के सदस्य देशों के नाम जो है जो शार्क है उसके सदस्य जो बने हुए देश उनके नाम लिखने हैं, और सस्ता और जहाँ पे है देख लेते हैं समटा में आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, और सफटा सफटा लिखा हुआ है और आधा स फोट हाँ सफटा लिखा हुआ है, सफटा से आपका क्या अभिप्राय है और ये क्या होता है, भारत के शार्क देशों का कौन सा शिखर सम्मेलन बनाया गया था और शार्क देश का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कब और किस देश में करवाया गया था, शार्क की कोई 2 समस्याएं लिखें और सचिव सार्क सचिवालय के बारे में आप क्या जानते हैं, और पड़ोसी देशों के साथ भारत के साथ जो संबंध है उसके बारे में लिखना है, भारत चीन संबंधों में तनाव के 2 कारण, और आगे है मैकमोहन रेखा की है जो है मैकमोहन रेखा की है, तो यहाँ पे होगा क्या होगा, ठीक है, मैकमोहन रेखा क्या है और पंचशील से आपका क्या अभिप्राय है और ताशकंद कंद समझौते के बारे में बताएं और 1999 के कारगिल के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था और श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के यहाँ पे तमिलों की समस्या क्या है, अब भारत बांग्लादेश बंधों में तनाव के 2 कारण बताने हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ भारत के जो संबंध है वो लिखना है, कहते हैं कि भारत परमाणु अमेरिका संधि पर नोट लिखना है और 1965 भारत पाक युद्ध में अमेरिका का क्या दृष्टिकोण था और 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका का क्या दृष्टिकोण था, दोनों के एक 65 का भी लिखना युद्ध और फिर हमने 71 का भी लिखना, अमेरिका का भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में क्या दृष्टिकोण था और भारत रूस मित्रता के लिए जिम्मेवार कार्य क्या है, कार्य लिखो, 1971 में भारत सोवियत संघ समझौते की 2 मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी और भारत और रूस के ताज़ा संबंध क्या हैं, भारत और अमेरिका के ताज़ा संबंध क्या हैं, अब है भारत का विश्व की प्रमुख समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत अधिकारियों से मानव अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ पे है मानव अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है, भारत के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और कोई 2 लिखने हैं जो मतलब भारत ने प्रबंध किए हुए हैं, आगे है विश्वीकरण होना चाहिए, यहाँ पे विश्वीकरण का क्या अर्थ है और निशस्त्रीयकरण से आपका क्या अभिप्राय है, भारत का निशस्त्रीकरण के प्रति क्या दृष्टिकोण है और कोई 4 मानव अधिकारों के नाम लिखो, भारत में मानव अधिकारों के कोई 2 खतरे लिखें
विश्वीकरण बेटा यहाँ पे वैश्वीकरण है, तब विश्वीकरण की कोई दो सम जो है विशेषताएं लिखनी है। और चार चार अंकों वाले जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो है नौकरशाही, और नौकरशाही की कोई चार विशेषता, और नौकरशाही के कार्य लिखने हैं, फिर नौकरशाही के महत्व लिखने हैं, फिर राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ है, राजनीतिक कार्यपालिका के चार कार्य लिखने हैं, और असैनिक सेवाओं में भर्ती की तीन विधियां लिखनी है, और नौकरशाही के पदोत्पन्न पातंत्रात्मक संगठन का क्या अर्थ है। ठीक है, आगे है नौकरशाही को प्रशासन की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। आगे जनमत है हमारे क्वेश्चन, जनमत क्या है, जनमत की दो विशेषताएं और जनमत का महत्व बताना है लोकतंत्र में, और जनमत के निर्माण में राजनीति दल की भूमिका निभाता है, क्या भूमिका निभाता है, और रेडियो तथा टेलीविजन जनमत के निर्माण में कैसे सहायक होते हैं, और भारत में स्वास्थ्य जनमत के निर्माण के मार्ग में क्या रुकावटें हैं, और प्रेस जनमत के निर्माण में क्या भूमिका निभाता है, जो प्रेस है वो जनमत के निर्माण में क्या भूमिका निभाता है, और दल प्रणाली कौन कौन सी है, कहते राजनीति दल किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा लिखे, और कोई चार कार्य लिखने हैं, चार कार्य और फिर लाभ भी लिखने हैं, और लोकतंत्र में राजनीति दलों का महत्व भी बताएं, और संसार में प्रचलित दल प्रणाली की किस्मों का वर्णन करें, और बहुदलीय प्रणाली के चार गुण लिखने हैं, और एक दलीय प्रणाली के चार गुण लिखने हैं, बहुदलीय प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, और लोकतंत्र में विपक्षी दल का की दल दल जो है क्या भूमिका निभाता है, राजनीति दल की कोई चार विशेषता लिखनी है, और यहाँ पे है हित समूह और दबाव समूह। कहते हैं कि दबाव समूह से आपका क्या अभिप्राय है, दबाव समूह है उसकी चार विशेषताएं लिखनी है, और कार्यविधियाँ लिखनी है, और फिर जातीय दबाव समूह क्या होता है, व्यावसायिक दबाव समूह जो है वो क्या होता है, राजनीतिक दलों और दबाव समूह के चार अंतर लिखने हैं, और उसके बाद है दबाव समूह की चार किस्मों का वर्णन किए, और लॉबिंग से आपका क्या अभिप्राय है, हित समूह और दबाव समूह में अंतर बताना है, फिर हित समूह से आपका क्या अभिप्राय है। आगे है राष्ट्रीय एकीकरण, तो इसका सबसे पहले अर्थ बताएंगे, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ लिखें, और इंसानी बिरादरी का निर्माण क्यों किया गया था, और भारत के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की विशेष आवश्यकता है जो जरूरत क्यों थी, और राष्ट्रीय एकीकरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, और राष्ट्रीय एकीकरण के सामाजिक पक्ष से आपका क्या अभिप्राय है, और राष्ट्रीय एकीकरण का राजनीति पक्ष क्या है, और जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के रास्ते के लिए बाधा क्यों कैसे है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली चार रुकावटों का वर्णन करना है। इसके बाद हमारा आ जाएगा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिए कोई चार सुझाव दो। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का निरीक्षण करें। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति कैसी है वो बताना है हमने, जैसे विदेश नीति से आपका क्या अभिप्राय है, विदेश नीति के तीन मौलिक सिद्धांतों का वर्णन करना है, भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं बताएं, और भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व लिखें, भारत का सैनिक समझौते के प्रति क्या दृष्टिकोण है, भारत की परमाणु नीति क्या है, और गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का वर्णन करें, और गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं लिखनी है, और निःशस्त्रीकरण के बारे में भारत का दृष्टिकोण क्या है, और भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति क्या है, और पंचशील का सिद्धांत क्या है, और भारत की विदेशी नीति की कोई चार विशेषताएँ बताएं, भारत की समाज राज्यवाद और ये है उपनिवेशवाद के प्रति आपकी क्या नीति है। आगे आ जाएगा भारत और संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने बताना है, कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से आपका क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य अंगों के नाम लिखें, संयुक्त राष्ट्र की किन 6 एजेंसियों के नाम,
फिर मुख्य राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति मानने वाले 5 देशों के नाम लिखने हैं, और संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अधिकारों व विश्व शांति की स्थापना में भारत की भूमिका का वर्णन। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है भारत और शार्क, और यहाँ पे शार्क में आप शार्क से आपका क्या भाव है या अभिप्राय है, तो इसके सिद्धांत लिखने हैं। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी लिखना है, शार्क में शामिल देशों के नाम लिखने हैं, और शार्क जो है उसके 3 समस्याएं जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखनी है। इस तरह ये हमारे बेटा क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद रखना और इनके इनको मार्क कर लो बुक पे, और ये ज़रूर याद करके आना। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।